नमस्ते, मैं रीना। आप लोगों को मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं भप्पा दोई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं बंगाली स्टाइल में भप्पा दोई या भप्पा दही। उसके लिए हमको लेना है 1/2 लीटर दही हैंग किया हुआ। मैंने छन्नी में हैंग किया था, आप लोग कपड़े में भी कर सकते हैं। 1/2 लीटर हैंग कॉर्ड, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर दूध में मिला हुआ मिल्क मेड एंड घी। सबको हमको अच्छे से मिलाना है। पहले दही में हम लोग को मिल्क पाउडर एंड मिल्क मेड डालकर मिल्क मेड 2 टेबलस्पून डालना है। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मैंने तो 2 टेबलस्पून ही डाला है, आप लोग 3 टेबलस्पून ही डालिए। और ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा। जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है, जिसको जैसे जितना मीठा पसंद है वो उतना ही डाल सकता है। इलायची पाउडर डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। एक स्मूथ बैटर बनाना है, अच्छे से स्मूथ होना चाहिए एकदम। उसके बाद केसर डाल लीजिए। केसर को मैंने थोड़ा सा दूध में मिला के रखा था। ये ऑप्शनल है, आप लोग ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा कलर में चेंज आता है और फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है। उसको अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। वैसे ही मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए स्मूथ होने तक। फिर 2 कटोरी लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए घी से। जब आप दही को भाप दे के निकालेंगे ना तो इजीली निकल आता है ग्रीस करने से। फिर सारा जो दही है जो मिला के रखा था वो इसमें डाल लीजिए। सारा डाल लीजिए। डालने के बाद उसको ऊपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए, मतलब प्लेन कर लीजिए ऐसे। हाँ, थोड़ा सा स्पून से प्लेन कर लीजिए। अभी हमको 2 फॉइल पेपर लेना है। फॉइल पेपर को इसके ऊपर कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, जैसे बाहर का मॉइस्चर हवा कुछ भी अंदर नहीं जाए अच्छे से। ऐसे जैसे मैंने किया कर लीजिए। उसके बाद कढ़ाई में पानी ले लीजिए और एक स्टैंड ले लीजिए, उसके ऊपर ये दोनों कटोरी को रख लीजिए और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए और लो फ्लेम में 25 से 30 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, स्टीम होने दीजिए। ये देखिए हो गया 25 मिनट। तो इसको बाहर निकाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उसको फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए। ये देखिए मैंने फ्रीज से निकाल लिया। अब इसको अच्छे से धीरे धीरे निकाल लीजिए इसे। थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि हमने ग्रीस किया हुआ था। ये देखिए अच्छे से निकल गया और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम मुंह में घुल जाता है। अब बना के देखिएगा। ये देखिए कितना स्मूथ बना है। आपको अगर वो वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा निकालने के लिए तो आप, मैं दूसरे टाइप से दिखा रही हूँ, ऐसे साइड से थोड़ा सा स्पून से स्पैचुला से या नाइफ से ऐसे कर लीजिए तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए अगर ये आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। बाय बाय।